झज्जर में स्कूल वैन और दूध टैंकर की टक्कर ने कई घरों की खुशियां छीन ली, कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। अब तक इस हादसे में दो बच्चे वंश, देव और बस के परिचालक की मौत हो गई है। हादसे से पहले ब्रिजेश अपने तीनों बच्चों का घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसका ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। बच्चों के इंतजार में बैठी माँ को सूचना मिली कि वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज से कुछ दूरी पर स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उसके बच्चे भी सवार थे। बड़ा बेटा देव, जो कि गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था, जबकि नर्सरी में पढ़ने वाले दीपेश और नितिन गाड़ी के पीछे थे, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झज्जर ASP वसीम अकरम ने तीनों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हादसे में दो बच्चों और परिचालक की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में चालक की हालत भी काफी नाजुक है। ASP ने बताया है कि इस मामले में एक छात्र के पिता ने पुलिस को दी शिकायत के मामले में जांच कराए जाने की बात कही है। उधर ASP का भी यही कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खेदजनक इसमें संदेश है कि कल शाम को जो पहला बच्चा जिसकी तबीयत खराब थी वंश, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रात को करीब 8:30-9 बजे के दौरान दूसरी दुखद घटना, दुखद समाचार मिला था, जो इसमें देव नाम का बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई। और इसके बाद में करीब रात के 10:30 बजे के समय जो कंडक्टर सोमी और चोटें लगी होने के कारण उनकी भी डेथ हो गई। तीनों जो शव हैं उनको PGI रोहतक में पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, और अभी पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शवों को अलग उनके परिजनों के पास लाया जाएगा और अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। सर, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है सर इसमें? इस संबंध में जो एक बच्चे के पिताजी ने अपने कंप्लेंट दिए, जो बच्चा भीड़ सुना के परिवादी, उन्होंने कंप्लेंट दिए कि ये दुर्घटना जिस कारण हुई है इसकी दुर्घटना की जांच की जाए। और आरोप शोक से उन्होंने आरोप जो वहाँ पे दूध का टैंकर खड़ा था उसको खड़े होने के लगाया है, बट मौके पे जो साक्ष्य है उसके अनुसार पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है। इस संबंध में पुलिस की तफ्तीश में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम जो दोनों गाड़ियाँ हैं उनका मैकेनिकल पूरा मुनाजा कराएँ, फिजिकल इंस्पेक्शन। हम इसमें FSL की भी टीम की मदद लेंगे, और इसके अलावा जो पूरा रूट है उस रूट से स्कूल से चलकर यहाँ तक जो बस आई है उसके बीच में CCTV कैमरास की फुटेज भी लेंगे कि बीच में ड्राइवर्स के द्वारा क्या चल रहा था। क्योंकि ओवर जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंतर्गत जो मानक निर्धारित किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, उनका पालना की गई है कि नहीं की है, ये बारे में भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से जाँच कर रही है। ये हादसा लापरवाही का हुआ है या तकनीकी खामी से, इसकी जाँच की जा रही है। लेकिन जो भी हो, जिन घरों के चिराग अब बुझ चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं जलाया जा सकता। अब इस मामले में पुलिस की जांच में क्या सामने आया है ये तो वक्त ही बताएगा। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।